गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं हमारा छठा पाठ परिलोक की सैर। इस पाठ को हमने शुरू किया था और हमने देखा है कि रौनक नाम का एक लड़का है, एक बच्चा है और उसने उसका जो है कल ही आठवां जन्मदिन हुआ है और उसे उपहार में बहुत सारे जो है तोहफे मिले हैं और उस तोहफों में से उन उपहारों में से सबसे प्यारा उपहार उसे एक पुस्तक ले लिए जिसमें परियों के बारे में लिखा हुआ था, परियों की कहानी लिखी हुई थी। और ये सोचते सोचते कि क्या सच में परियां होती है और मैं उनसे कैसे मिलूंगा, ये रौनक सोच रहा था। सोचते सोचते वो सो गया है और अचानक उसके कानों पर जो है एक आवाज पड़ी है और उसने आंखें खोलकर देखा तो वहां कौन था, एक परी रानी वहां पर थी। अब देखिए उसके आगे हम आज देखने वाले, तो देखिए कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, रौनक ने आंखें मंदे हुए कहा। नहीं, तुम सपना नहीं देख रहे हो, यह सच है कि मैं परीलोक की रानी हूँ और तुमसे मिलने आई हूँ, परी ने कहा। रौनक ने पूछा, परी रानी क्या मैं आपसे दोस्ती कर सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, पर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम हमेशा सच्चे बच्चे बनकर रहोगे, कभी कोई बुरा काम नहीं करोगे, क्योंकि मैं अच्छे बच्चों से ही दोस्ती करती हूँ, परी रानी ने कहा। अब देखिए क्या हुआ है कि रौनक जो है अचानक उसके सामने जो है परी आई है तो वो जो है आंखें मंदे हुए उसे देख रहा है और वो कह रहा है कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ, ऐसा रौनक कह रहा है। और तब जब इसने कहा कि मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ तो परी रानी ने उससे कहा, नहीं नहीं तुम सपना नहीं देख रहे हो, यह सच में ही क्या है, मैं क्या हूँ, परी रानी हूँ, परीलोक से आई हूँ और तुमसे मिलने ही आई हूँ। परी ने ऐसा कहा तो रौनक ने पूछा है कि परी रानी क्या मैं आपसे दोस्ती कर सकता हूँ, तो परी रानी ने कहा है हाँ क्यों नहीं, पर तुम्हें मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। अब देखिए जो है परी रानी ने कहा है कि तुम्हें मुझसे एक वादा करना पड़ेगा कि तुम हमेशा क्या है अच्छे बच्चे बनकर रहोगे, कभी कोई बुरा काम नहीं करोगे, क्योंकि मैं क्या है अच्छे बच्चों से ही क्या है दोस्ती करती हूँ, ऐसा जो है परी रानी ने कहा है। रौनक बोला, परी रानी मैं वादा करता हूँ कि मैं अच्छा बच्चा बना रहूंगा, कोई गलत काम नहीं करूंगा, यह सुनकर परी रानी बहुत खुश हुई। अब देखिए रौनक बोला, परी रानी क्या है मैं वादा करता हूँ कि मैं अच्छा बच्चा ही बना रहूंगा, कोई गलत काम नहीं करूंगा, यह सुनकर जो है परी रानी बहुत खुश हो गई। रौनक ने क्या कहा कि मैं हमेशा अच्छा बच्चा बनकर रहूंगा, कभी कोई बुरा काम या गलत काम नहीं करूंगा, ऐसा जो है रौनक ने कहा है। ये बात सुनकर जो है परी रानी बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। अब आगे देखिए, अब तो रोज रात को परी रानी आती और रौनक को खूब देर तक कहानियां सुनाती। एक दिन रौनक ने पूछा, परी रानी परिलोक कैसा है, क्या तुम कभी मुझे वहां लेकर जाओगी? परी रानी ने कहा, ठीक है मैं तुम्हें कल परिलोक की सैर पर ले जाऊंगी, जब कहकर जो है परी रानी चली गई। अब देखिए क्या हुआ है कि आप जो है परी रानी जो है रोज रात को जो है रौनक के पास आती है और जो है रौनक को खूब ढेर सारी जो है कहानियां वहां सुनाती है। एक दिन रौनक ने क्या कहा कि रौनक ने उससे पूछा है कि परी रानी क्या परिलोक कैसा है और क्या तुम मुझे वहां ले जाओगी, ऐसा उसने पूछा है। तो परी रानी ने उससे कहा है कि ठीक है मैं तुम्हें कल परिलोक की सैर पर ले जाऊंगी, यह कहकर जो है परी रानी चली गई। अब परिलोक के बारे में सोच सोच कर रौनक खुला नहीं समा रहा था, तभी माँ ने पूछा, बेटा रौनक क्या तुमने कविता याद कर ली है? रौनक ने कहा, हाँ माँ मैंने कविता याद भी कर ली है और दादाजी को सुना भी दी है, अब मुझे बहुत नींद आ रही है, यह सुनकर माँ चली गई। अब देखिए यहाँ पर जो है परी रानी जो है यह कहकर
लेकर परिलोक की सैर पर ले जाऊंगी। ये सुनने के बाद जो है आप परिलोक के बारे में सोच सोच कर जो है रौनक खुला ही समा रहा था, वो बहुत खुश हो रहा था। तभी वहां पर उसकी माँ आई है और माँ ने पूछा है कि आप बेटा रौनक क्या तुमने कविता याद कर ली है? तो रौनक ने कहा है कि हाँ माँ मैंने कविता याद भी कर ली है और दादाजी को सुना भी दिए। अब मुझे बहुत नींद आ रही है तो मैं क्या है सोना चाहता हूँ। ये कहकर जो है रौनक जो है सोने लगा है। यह सुनकर जो है माँ वहां से चली गई। यहाँ तक हमने देखा है इसके अंदर आए हुए नए शब्द देखिए। नए शब्द सपना यानी कल्पना, वादा यानी वचन, खुला नहीं समाना यानी बहुत खुश होना। इस प्रकार से ये शब्द हमने देखे। अब हम जो है देखेंगे अगले वीडियो में क्या परी जो है अगले दिन आती है और रौनक को अपने साथ परीलोक लेकर जाती है या कुछ और होता है, ये हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।